हाय फ्रेंड, एंजल रसोई में आपका स्वागत है। मेरा नाम सरोज है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी डिश कैसे बनाते हैं बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ 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 बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू। फ्रेंड, एंजल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हांडवा। ये गुजराती डिश है। तो चलिए, इसके लिए एक कटोरी चावल, आधा कटोरी चने की दाल, आधा कटोरी तुअर दाल, आधा कटोरी उड़द दाल, चारों दालों को मिक्स करके हम भिगो के भी बना सकते हैं, और नहीं तो सारे मिक्स करके चक्की में पीस के, और मैंने इसको चक्की में पीस के बनाया। तो चलिए हम इसको पीसते हैं। देखिए, चारों दालों को मिक्स करके हमने इसका आटा बना लिया है। हम इसको दही के साथ भिगो के रखेंगे। मैं इसको इसके अंदर दही ऐड करके 2 घंटे के लिए भिगो के रखती हूँ। इसको घोल को रेडी कर दिया है। 2 घंटे के लिए दही में भिगो के रखा था, जो आटा बनाया था उसको। तो हम इसके अंदर एक छोटी चम्मच, आधी चम्मच सोडा डालेंगे, मीठा सोडा खाने का। छोटी चम्मच मीठा सोडा, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी कर देते हैं। अभी इसके अंदर क्या क्या सामग्री ऐड करनी है मैं बताती हूँ आपको। 1 कटोरी गाजर कद्दूकस किया हुआ, 1 कटोरी लौकी कद्दूकस किया हुआ, कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, तेल और धनिया पत्ती, एक कसा हुआ गाजर हम इसके अंदर डालेंगे, लौकी के अंदर डालेंगे, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट और धनिया पत्ती। सारे मसाले को मिक्स कर देंगे। देखिए, हमारा घोल रेडी हो गया है। अगर हमारा घोल पतला हो जाए तो इसमें रवा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा खट्टा मीठा करने के लिए शुगर ऐड कर सकते हैं, छोटी चम्मच। मैं इसमें शुगर ऐड करती हूँ, 1 छोटी चम्मच मैंने शुगर डाल दिया है। गैस चालू कर दिया है। हम इसके अंदर 1 चम्मच तेल डालेंगे। कढ़ाई के चारों तरफ तेल डालना है ताकि चिपके नहीं हमारा हलवा। अब इसके अंदर फ्राई, जीरा, थोड़ा सा तेल, कड़ी पत्ता, बड़े चम्मच की सहायता से इसके अंदर मसाला डालेंगे। 2 बड़े चम्मच इतना डालना है इसमें। ढक्कन लगा देंगे। फ्लेम को लो रखना है। 5 मिनट हो गया है, हम इसको चेक करते हैं। देखिए, हमारा फूल गया है। हम इसको पलटी करेंगे। अब इसको चम्मच की सहायता से उल्टा करेंगे। पकाएंगे हम लोग। फ्लेम रखिए, हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है, ज्यादा फास्ट नहीं करना, नहीं तो चिपक जाएगा, जल जाएगा। और इसको फिर से पलटी करेंगे। देखिए कितना अच्छा पका है। थोड़ा कड़क करने के लिए हम गैस पे रखते हैं। ये हमारा हलवा पक चुका है और कड़क भी हो गया है। इसको नीचे उतार देते हैं गैस से। इसको कटिंग करेंगे। देखिए कितना अच्छा पका है,
और अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है, नरम है। हम इसको छोटे या बड़े पीस जैसे चाहे वैसे कटिंग कर सकते हैं। इसको सॉस और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।